मेरे मित्रों, अब हमारे उत्तरांचल के प्रमुख हमारे महावीर प्रसाद भाई जी, अब अगला आप क्या करें, अगला क्या कार्यक्रम होगा आप अपनी प्रस्तुति देंगे। मैं आप लोगों के सामने वक्तव्य नहीं बल्कि अपने विचारों का अर्ज पर हुआ। आगामी 15 तारीख को मुझे विश्वास है कि अपने इस तीर कमान के लिए, यह तीर कमान आदरणीय प्रताप सर नाइक साहब का नहीं, यह तीर कमान दो युगों से जिम्मेदारी उत्तर भारतीय समाज की है। राम के समय में रावण को मिटाने का, पाप को मिटाने का काम इस तीर कमान ने किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने किए थे। फिर द्वापर में शिख सारथी बनकर अर्जुन के माध्यम से इस तीर कमान से कौरवों का विनाश किए थे। आज सभी आप सब इस युग में 15 तारीख को इस तीर कमान का साथ देकर के आदरणीय प्रताप सर नाइक साहब का अपने समस्याओं के निदान करने के लिए विधानसभा भेजेंगे। इन्हीं रस्मों रिवाज के साथ आइए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। इसके साथ यही कहता हूँ कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान, गीता कुरान शब्द बाइबिल सबसे प्यारा, देश महान, जाति धर्म महफूज हो सबका, फलो फूलो रहो आबाद, मगर हिंद में शिवसेना का जिंदाबाद हो जिंदाबाद, जिंदाबाद हो जिंदाबाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम, जय हिंद, इसलिए राष्ट्र हम सबका है, जय महाराष्ट्र, इसलिए यह कर्म भूम रूपेण माये सौदा है, जय उत्तर प्रदेश, इसलिए वह मेरी जन्मस्थली माँ देवकी है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद भाई गुलाब चंद दुबे जी। अब मैं आप लोगों को ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ जरूर कोई परेशानी है, ये कोई ये बंधन नहीं है कि आप ताली बजाए बजाए, और ठीक है, ये प्यार होता है, मंच की एक गरिमा होती है, मंच का एक श्रृंगार होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ गुलाब चंद दुबे जी। और अब हमारे बीच में युवाओं के एक बहुत ही सुंदर जो नायक है, सरनाई जी के सुपुत्र पूर्वेश सरनाई जी, जो युवा सेना, शिवसेना युवा सेना के सचिव हैं, वो यहां पर आए हैं, जो कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को एकदम मजबूती के साथ में कार्य में लगाए हुए हैं। आपका स्वागत न हो, आप मंच में ना आए ये कैसे हो सकता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं मंच पर। अब खाली युवा ही बजाएंगे, कितने हैं ये देखना है, बाकियों को नए में कहूंगा। पूर्वेश जी मंच पर आ रहे हैं, उनके लिए आप लोग कितनी ताली बजा सकते हैं ये पता चलना चाहिए। उसके बाद हमारे एक और कर्मठ, जो कि प्रताप सरनाई जी के कंधे से कंधे मिलाकर के चलते हैं, हमारे रत्नाकर से यहां पर साथ में आए। मैं चाहूंगा हमारे सभा जी जो ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, पूर्वेश जी का स्वागत करेंगे। बोलना क्या है आप जो उचित समझे, हमारे सभा जी भाई, हमारे रत्नाकर सेठी जी, जो कि बिल्कुल रात दिन इस अभियान को आगे बढ़ाए हुए हैं। रत्नाकर जी आपका स्वागत न हो ऐसा कैसे हो सकता। कुछ लोग होते हैं जो दिखते नहीं है मंच पे और पर्दे पे, ये हमारे रत्नाकर जी हैं जो रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, बहुत लोगों का नाम नहीं लूंगा। भाई हमारे चौरसिया जी, जिन्होंने बहुत ही विशाल कार्यक्रम जो भेंदर में किया, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आइए पूर्वेश जी के विचार सुनिए, एक युवा के विचार सुनिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद उन्हें क्या हवा मालूम पड़ती है, क्या लहर का वो वर्णन करते हैं। आइए पूर्वेश जी, सुंदर वर्णन आपके मुखारविंद से। पूर्वेश जी प्रताप सरनाई भाई, लोकन जी कैसन हवा, बहू जी और दीदी कैसन हो, आपन लोकन के साथ आज मैं बोले के आयल है। ऐसा है कि मैं भले इस थाने शहर में रहता हूं, लेकिन थाने शहर में रहने के बावजूद भी मैं इस पूरे हिंदुस्तान में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से आज घूम रहा हूं। मैं महाराष्ट्र और मुंबई में सिर्फ युवा सेना का काम न करते हुए आज उत्तराखंड में काम कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, राजस्थान में काम कर रहा हूं, ऐसे अनेक राज्यों में काम कर रहा हूं, और वही चीज बताने आया हूं कि जिस प्रकार का प्यार और आशीर्वाद हमें आपकी तरफ से हमेशा, आपका सहयोग इतने सालों से मिलते आ रहा है, उसी प्रकार का सहयोग हमें अभी भी आपका लगने वाला है। आज गुलाब चंद जी यहाँ पर है, साथ ही में हमारे महादेव जी है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कुछ लोग आएंगे आपके पास और कहेंगे अरे ये उत्तर भारतीय समाज वाले लोग कभी भी शिवसेना के नहीं हो सकते, लेकिन मैं एक चीज गर्व से कहना चाहूंगा,
कि उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये उत्तर भारतीय लोग सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के ही हो सकते हैं और इन शिवसेना के वजह से ही इन उत्तर भारतीय समाज के हमारे सभी भाई और बहनों को आज एक ताकत मिली है जिसके दम पर आज मराठी और उत्तर भारतीय समाज के लोग एकजुट से काम कर रहे हैं और इस महाराष्ट्र को पूरे तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार से इस महाराष्ट्र का विकास हो रहा है उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का भी विकास होए और उसी चीज के लिए आज शिवसेना के माध्यम से हम सब आपका सहकार्य चाहेंगे, आपका सबका सहयोग चाहेंगे। वही सहयोग लेकर आज हम पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम एकत्रित बने आगे लेके जाएंगे। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि आपको मिलने आज सब आए हैं। हमें तो थाने में लोग 364 दिन देखते हैं लेकिन 365 दिन में से एक दिन तो आपको देखने के लिए लोग अगर आते हैं खरे रूप से। आज के मैं तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, माइकल जैक्सन सबको देख चुका हूं लेकिन भाई आपका क्या है ये समझ में नहीं आता। हम किसी अगर हीरो या हीरोइन को बुलाए तो भी इतनी पब्लिक नहीं आई लेकिन आपको बुलाए तो कम से कम 15,000 से 20,000 लोग ऐसे यूं ही आ जाते हैं। ये हकीकत है कि जो मजा बॉलीवुड में नहीं है, जो मजा हॉलीवुड में नहीं है, वही मजा हमारे उत्तर प्रदेश के वुड में है और वही मजा हमारे बिहारी वुड में है। कुछ भी हो जाए, हम भी अगर आ गए तो हमें भी देखने के लिए 10,000 लोग भी नहीं आएंगे लेकिन अगर सिर्फ आपका नाम लगाए, आपका अगर हम फोटो लगाए तो हमारे फोटो को भी कोई नहीं देगा। कितने लोगों ने यहां पर मेरा फोटो देखा? बस 2 या 3। अभी बताओ कितने लोगों ने इनका फोटो देखा? ये ताकत है हमारे उत्तर प्रदेश की। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी के सामने मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं कभी भी ये ऐसा मत समझिए कि सिर्फ ये हर 5 साल में एक बार हम आपके लिए कार्यक्रम लेंगे लेकिन आश्वासन देता हूं कि साल में कम से कम 5 से 6 बार हम इन जैसे कलाकारों को इस महाराष्ट्र, इस मुंबई और इस थाने में बुलाएंगे और इस आप सभी का मनोरंजन होगा। जिस प्रकार से हम मराठी लोगों के लिए, जिस प्रकार से हम हर धर्म के लोगों के लिए कार्यक्रम रखते उसी प्रकार से उसी समान हम हमारे उत्तर प्रदेश के सभी भाई और बहनों के लिए भी ऐसे कार्यक्रम रखते रहेंगे। ये मेरा आश्वासन है, ये मेरा वचन है। मैं यहां पर एक चीज काफी गर्व से कहना चाहता हूं कि शिवसेना या ऐसा एक ही पक्ष है, शिवसेना या ऐसी एक ही संगठन है जो कभी भी किसी से भी वोट मांगने या वोट खरीदने नहीं आती। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप जहां पर जिस वसाहत में रहते हो उस वसाहत से कभी भी शिवसेना को वोटिंग नहीं होती है, प्रताप सरनाई को यहां से वोटिंग नहीं होती है, लेकिन मैं उन सभी लोगों का मुंह बंद करना चाहता हूं क्योंकि 19 तारीख को जब हमारे रिजल्ट्स हो गए, इलेक्शन के चुनाव के जो रिजल्ट्स निकलेंगे उस वक्त मैं ऐसा ही माइक, ये तो ठीक है इतने स्पीकर है, इससे 10 गुना ज्यादा स्पीकर लगा के पूरे थाने में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में गर्व से कहूंगा कि अगर प्रताप सरनाईक इस बार फिर विधायक हो गए तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस गांधीनगर, सुभाष नगर और नलपाड़ा की जनता के वजह से हुए। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि प्रताप सरनाईक को इस क्षेत्र से ज्यादा वोट मिले, मैं गर्व से कहूंगा कि वो इस क्षेत्र का नाम गांधीनगर, सुभाष नगर और नलपाड़ा है क्योंकि उस क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे सभी भाई और बहनें रहते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस प्रकार से आपका प्यार हमें इतने सालों से मिलते आ रहा है इसी प्रकार का प्यार आने वाले 15 तारीख को भी हमें आपके माध्यम से लगेगा क्योंकि आने वाले 15 तारीख को शिवसेना के माध्यम से आज श्री प्रताप सरनाईक जी को आपके लिए फिर सेवा करने की एक संधि मिली जा रही है और उस संधि के लिए आपका प्यार, आशीर्वाद और आखिर में आपके वोट ये काफी निश्चित रूप से हमें लगेंगे। इतना ही कहकर फिर एक बार आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाए उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। लीजिए इतना अच्छा बोलते हुए मैंने पहली बार इतने जगह गया तो जरूर लेकिन इतने अच्छा बोलने वाला मैं पहला ऐसा व्यक्ति देखा जो अपनी बातों को इतने गंभीर से रखे। चलिए ये तो चुनाव है लेकिन हम तो आपसे मिलते रहेंगे क्योंकि हम भी आप ही के क्षेत्र में आते हैं, हम भी मीरे रोड रहते हैं और हमको भी हमेशा पानी वानी की जरूरत पड़ती रहेगी। लेकिन सच में आपने ऐसी चीजें बोला हमारे उत्तर भारतीयों के लिए कि शायद
कोई इंसान ऐसा आज तक नहीं बोला होगा जो आपके अंदर वो जज्बा दिखा मुझे, जब आप इनके बारे में इतना सोचते हैं, इतना रखते हैं, तो शायद आपका दिल इतना बड़ा है तो हमारे उत्तर भारतीयों का भी दिल बहुत बड़ा है। अगर आपने साबित किया है तो हम भी कल 15 तारीख को साबित करके दिखाएंगे। हाथ उठा के बोलो भाई, हम दिखाएंगे, क्योंकि हम भी इस बार वोटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे 6 महीना पहला ही बना वोटर आईडी कार्ड, 6 महीना पहले बना भाई हम, क्योंकि 1 साल पहले 1.5 साल पहले तो हम लेबे किए हैं मकान, तो इतना पहले कहाँ मिली, पहले तो रेडी पर सूत नहीं। लेकिन चलिए मैं भी इस बार वोटिंग करूंगा, अपनी वाइफ के साथ मैं भी जाऊंगा और जरूर वोट दूंगा, और मैं आपके साथ हूं और ये लोग मेरे साथ हैं, तो जो मेरे साथ है वो आपके साथ है, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं भैंस पर चढ़ता था, मैं आज आपसे बताता हूं, मैं भैंस पर चढ़कर और फ्लाइट पर चढ़ रहा हूं, तो ये इनका देन है, क्योंकि मैं इनके पैसे से चढ़ता हूं, मेरे बाप का तो 1 रुपया नहीं लगता है, मेरे घर का चूल्हा जलता है तो इनके पैसे से चलता है, नहीं तो खेसारी लाल बिना खाए सो जाता, तो मेरी घर की रोटी भी चलती है, मेरा घर परिवार चलता है तो इनके पैसे से चलता है और इनके हाथों से, इनकी दुआओं से चलता है। तो ये जिसके साथ होते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान होता है, और ये जनता प्रताप सरनाइक जी के साथ है, रहेगी, और उनको यहीं तक नहीं पहुंचाना है, हम लोग को उनको इतने ऊपर तक पहुंचाना है, क्योंकि मैं उनसे मिलकर इस चीज को महसूस किया कि हाँ ये नेता तो ही है लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा इतना अच्छे से सत्कार किया, एक बाप की तरह, एक बाप जिस तरह एक बेटे को आदर सम्मान देता है कि हाँ बेटा तुम पढ़ लिख कर ये करो वो करो, उन्होंने मुझे ऐसी जगह जगह पहल की कि शायद मैं बताऊं तो बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस तरह आपका बेटा खेसारी है, जिस तरह आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, एक गरीब बच्चा, एक चटाई पे सोने वाले बच्चे को आप लोगों ने फ्लाइट पे सुला दिया, तो मैं चाहूंगा कि प्रताप सरनाइक के जरिए कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे विश्वास को आप लोग मिलने नहीं देंगे, मैं जानता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब 15 तारीख को आप सबको दिखाना है कि हाँ खेसारी जिसके साथ है उसके साथ हम है, और मेरा आया सार्थक हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तनी ताली बजा दे बोले तो हमरो की मन लगे, ए मौसी तनी बजाओ ना ताली, तोहर वोट दिए दादा। देखिए आप वाकई में बहुत अच्छा बोले, मैं आपसे बहुत खुश हूं, इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज यहां पर मेरा सम्मान हुआ है, एक थाने का रहवासी के नाते से, एक शिवसेना के कार्यकर्ता के नाते से, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व होगा, मुझे अभिमान होगा कि मेरा सत्कार न करते हुए अगर मैं मेरे बड़े भाई, एक उत्तर भारतीय बड़े भाई का अगर मैं मेरे खुद के हाथ से स्वागत करूं तो मुझे उसका काफी गर्व होगा, और उसीलिए मैं पूरी इस पूरे थाने जिले के तौर से, इस पूरे थाने शहर के तौर से, और साथ ही में यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों के तौर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। ताली बजाओ यहाँ लो। मैं वही बोल रहा था कि जब हमने इनकी चर्चा की कि अभी हम केसरिया लाल को लेके आने वाले हमारे प्रोग्राम के लिए, तो मैंने क्या किया, वो कंप्यूटर पे इंटरनेट होता है बराबर है, सब इंटरनेट पे हो, इंटरनेट पे हमने सिर्फ यूट्यूब पे इनका नाम लाना, इंटरनेट पे सबसे पहले हमने वो आज के तारीख में कौन आया ना, हनी सिंह, हनी सिंह का नाम लाना, हनी सिंह का कोई गाना था, उस गाने को 1 लाख या 2 लाख ही लोगों ने देखा हुआ था, फिर हम बोले यार भाई चलो कुछ भी हो जाए हम हमारे उत्तर प्रदेश के हनी सिंह का नाम डालते हैं, तो हमने इनका नाम डाला। इनका नाम डालने के बाद मैं हैरान हो गया, 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख लोगों ने इनके वीडियो को देखा है, यार ये इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, और इससे बड़ा अभिमान हमें क्या हो सकता है कि हम ऐसे अच्छे इंसान के साथ आज इस मंच पर उपस्थित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं खुद आपका गाना सुनने के लिए, आपका कार्यक्रम देखने के लिए, सब प्रचार वगैरह चुनाव का प्रचार छोड़कर मैं आपके लिए सिर्फ आपको मिलने आया, आपका गाना सुनने आया, इसके लिए अभी हम सब लोग नीचे जाते हैं ताकि हमारी जनता भी आपका कार्यक्रम एंजॉय कर पाए, और अब शुरू करें।
हमारा राजा भी इतना